हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी सावात। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर सेकेंड, प्लम्बिंग इंस्ट्रूमेंट या टूल्स, नलकारी औजार। इसमें हम पढ़ रहे हैं आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मापन औजार। ये बुक आपकी एशियन पब्लिकेशन की है। इसमें है फर्स्ट, इसमें माइक्रोमीटर। ये क्या होता है? अंग्रेजी के पी अक्षर नुमा उपकरण किसी जॉब की शुद्धता से चौड़ाई या मोटाई नापने के काम में आता है। माइक्रोमीटर दो प्रकार का होता है, बाहरी आउटसाइड और इनसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की स्लीप पर एमएम में तथा थिम्बल पर इसके दसवें अंश तक पाठ्यांक पढ़े जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है इसमें फ्रेम, सेकंड इसमें एनविल एंड थर्ड है इसका स्पिंडल एंड फोर है इसका स्लीप। फिर है आपका कैलीपर। कैलीपर देखिए डायग्राम में दिख रहा है, आउटसाइड कैलीपर, इनसाइड कैलीपर और नॉब। दो जबड़ों वाला या नापक उपकरण किसी भी घटक की शुद्धता से मोटाई बाहरी या भीतरी नापने के काम आता है। कैलिपर दो प्रकार का होता है, भीतरी और बाहरी। भीतरी कैलिपर के दोनों जबड़े बाहर की बाहर को तथा बाहरी कैलिपर के दोनों जबड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये एक हिंज द्वारा जुड़े रहते हैं। वर्नियर कैलिपर भी इस प्रकार की दूरी नापक उपकरण है जिसमें एक जबड़ा स्थिर और दूसरा जबड़ा एक ग्रेजुएटेड आर्म पर सरकता है। दोहरे जबड़े वाले कैलिपर से जॉब के बाहरी भीतरी तथा गहराई सभी माप शुद्धता से मापे जा सकते हैं। फिर आपका आधा इंस्ट्रूमेंट में देखिए, पाइप बेंडर, पाइप बंगनर। इसका क्या काम होता है? यह एक हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड जैक है जो लोह पाइप को कर्व में मोड़ने के काम आता है। देखिए किस तरह से मोड़ रहा है, रील है, जैक हैंडल है, हाइड्रोलिक जैक है और पाइप बीच में रख रखा है, इसको बेंड कर रखा है। फिर आपका बेंच ड्रिलिंग मशीन। देखिए ये क्या होता है, ये बड़े ड्रिलिंग कार्य के लिए ड्रिल मशीन को मेज पर स्थापित कर दिया जाता है ताकि छिद्र कार्य सरलता से तेजी से संपन्न हो। रेडियल आर्म वाली ड्रिलिंग मशीन का आवश्यक होने पर ड्रिलिंग हेड को अपने स्तंभ के प्रति घुमाया अथवा ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या क्या है, ड्रिलिंग हेड है, स्पिंडल गार्ड है, बेल्ट है, मोटर हाउसिंग, मोटर कंट्रोल, लेवल्स है, कॉलम है, लॉकिंग हैंडल है, वर्क टेबल है एंड बेस है। ड्रिलिंग कार्य करते समय गर्म हुई ड्रिल पर कूलेंट डाला जाता है। ड्रिलिंग मशीन पर बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। फिर आता है आपका बेंच वाइस। ये क्या होता है आपका, यह वाइस किसी जॉब को कस कर पकड़ने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए तथा इस पर आगे का कार्य करने के काम आती है। वाइस में दो जॉल्स होते हैं जबड़े, जिनमें एक जबड़ा स्थिर तथा दूसरा मूवेबल होता है। वाइस को एक मेज के ऊपर स्थिर कर दिया जाता है। देखिए दिख रहा है, इसमें हैंडल है, चल जबड़ा ऊपर वाला है, जो स्थिर है वो नीचे वाला है, स्थिर जबड़ा साइड वाला है और ये बॉडी है इसकी। फिर आता है आपका थ्रेडिंग डाई। यह बोल्ट छड़ पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के काम आती है। यह डाई स्प्लिट डाई, हाफ डाई तथा स्क्री प्लेट डाई प्रकार की होती है। एक दो चक्कर घुमाने के बाद डाई को एक चक्कर उल्टा घुमाएं ताकि धातु के चिप्स छिलकर टूटकर बाहर निकल आएँ। चूड़ियाँ काट डाई का बाहरी आकार गोल, चौकोर, षटकोणीय अथवा नलिकानुमा हो सकता है। देखिए इसमें सेट स्क्रू है, डाई शॉक है, सर्कुलर स्प्लिट डाई है। फिर आता है आपका निपूरण या कॉकिंग टूल्स। ढलवा लोहे के पाइपों का एक सॉकेट या सॉकेट एंड दूसरा सिरा स्पॉइगॉट एंड प्रकार का होता है। पाइपों को लंबाई में जोड़ने के लिए सॉकेट सिरा अगले पाइप के स्पॉइगॉट सिरे में ठूंस कर जोड़ लगाया जाता है। जोड़ को जल से बनाने के लिए स्पाइगॉट सर्किट की रिक्ति में पिघला हुआ लेड भरा जाता है और इसे कॉकिंग टूल से धीरे धीरे ठोककर अच्छी तरह दबाकर भर दिया जाता है। सामान्यतः 150 mm व्यास के पाइप के एक जोड़ के लिए 4 किलोग्राम सीसा लगता है। देखिए निपूरण टोंकी नीचे दिखाए गए हैं, ये टूल्स हैं जिससे ठोंका जाता है क्या सीसा। फिर आपका शोल्डरिंग आयरन। इसका क्या वर्क होता है? धातु के दो पात्रों को आपस में जोड़ने के लिए उनके दोनों किनारों के मध्य भराव की परत रखकर टैपिंग शोल्डरिंग आयरन से टांका लगाया जाता है। शोल्डर कम ताप पर पिघलने वाला अलॉय
मिश्र धातु होता है। शोल्डिंग आयरन एक हस्ट टूल है जो शोल्डर को पिघलाकर इसे जोड़ में भर देता है। शोल्डिंग आयरन को तापित करने के लिए लाइट का यूज़ किया जाता है। शोल्डिंग आयरन के अगले सिरे पर धातु की मेटल टिप, धातु की टिप लगी होती है और पीछे की तरफ इंसुलेटेड हैंडल लगा होता है। प्लम्बर शोल्डर नम शोल्डर सीसा व टिन का मिश्र धातु होता है। इसका पिघलन बिंदु 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। वेल्डिंग तथा सोल्डिंग दोनों का कार्य एक ही है, दो अवयव को आपस में जोड़ना। वेल्डिंग में क्या करते हैं, दोनों सतहों को अति तापित करके पिघलाया जाता है, जबकि शोल्डिंग में दोनों सतहों के मध्य पिघला हुआ शोल्डर भरा जाता है। वेल्डिंग द्वारा पक्का व सामर्थ्यवान जोड़ प्राप्त होता है। फिर है अन्य कारीगरों के औजार, टूल्स ऑफ अदर प्रोफेशनल्स। एक नलकार को भवनों में कार्य करते समय निर्माण मेंटेनेंस के कार्यों में व्यस्त कारीगरों उनके औजार उपकरणों को देखने का भी कार्य करना पड़ता है। इस चरण पर अन्य कारीगरों के औजार व नाम व चित्र अगले पन्ने पर हैं। देखिए ये है आपका लोहे की फ्लोट, मेटल फ्लोट, गुरमाला, ये गुरमाला जिसको बोलते हैं वुडन फ्लॉट, इसका नॉर्मली इनका लोहे की फ्लॉट और गुरमाला इनका क्या वर्क होता है, फर्श पड़ता है या जो आपकी स्लैब पड़ती है उसको स्मूथ करने के लिए। स्ट्रेट एज से क्या करते हैं, जो आपका जो देखा होगा आपने नॉर्मली जब मटेरियल डालते हैं ऊपर स्लैब पे तो इस पट्टी का यूज़ करते हैं वो स्ट्रेट करने के लिए, लेवल करने के लिए। टॉवेल्स का क्या यूज़ होता है, चिनाई वर्क में मोस्टली यूज़ हो जाता है। फ्लोटिंग का देखिए यही यूज़ रूल होता है। कुदाल का क्या होता है, कभी कुछ तोड़ना हो, फिर कच्ची घड़ाई का हथौड़ा, स्कैबलिंग हैमर, मैशन स्क्वायर हैमर, जॉइंटर जॉइंट करने के लिए, स्प्रिट लेवल लेवल करने के लिए, स्ट्रेट एज लाइन तथा पिन किस लिए, सीध देखने के लिए, ऊर्ध्वाधर वसूली, किसी चीज़ को जो ईंट पे अगर कुछ चिपक वगैरह जाता है तो उसको साफ़ करते हैं इससे। मीटर का आपको पता ही होगा क्या यूज़ है, फोल्डिंग फुट, डोरी पट्टी प्लम्ब क्यों लगाया जाता है, ताकि दीवार सीधी है या नहीं। ठीक है, देखिए फिर है आपका प्लास, पेचकस, सूजा, कील, गिमलेट। गिमलेट क्या, होल करने के लिए नीचे या कहीं और भी। अंक, चाकू, अंकनी, पिंसा, संसी कट करने के लिए नॉर्मली, पैरिंग चीजर, फार्मर चीजर, रेचिट ब्रेसिस, साल छेनी, टेनन सॉ, कंपास आरी लकड़ी काटने के लिए, कोपिंग सॉ लोहा काटने के लिए, और सिकंजा, रिबेट प्लेन, जैक प्लेन एंड ऑयल स्टोन एंड ट्राई स्क्वायर। फिर आता है आपका औजारों उपकरणों से कार्य करते समय कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। फर्स्ट है देखिए स्क्रू ड्राइवर, पेच को कसना या ढीला करने के लिए सही माप का पेच कस लें और पेच हेड पर उचित दाब डालें ताकि ये फिसले नहीं। पेच कस से छेनी का काम ना लें, इससे विद्युत सर्किट चेक ना करें। फिर आता है आपका पाना, स्पैनर, नट बोल्ट को कसला और ढीला करने में प्रयोग होता है। जॉब के आधार पर उचित साइज़ का पाना प्रयोग करें और इसे कसकर घुमाएं। घुमाते समय हाथ से फिसलना या छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है। सरौता का क्या वर्क होता है, नाजुक वस्तु को पकड़ने के लिए नीडल नोज वाला प्लायर यूज़ होता है। विद्युत तारों का हस्तन करते समय इंसुलेटेड मूठ वाला सरौता यूज़ करें। फिर आपका हैमर, जॉब के अनुसार उपयुक्त भार वाला हथौड़ा प्रयोग करें। जांच करने की हथौड़े का हत्था ठीक से फिट है और कसा हुआ है। हथौड़े से ठोकते समय अपने हाथ का अगला भाग हत्थे को अधिक दूरी तक कार्य करने में सहायक होता है। हथौड़े की पूर्व सतह को जॉब पर सीधा ठोकें, तिरछी चोट जॉब को अथवा आपको चोट पहुंचा सकती है। फिर है आपका छेनी, छेनी को कुछ तिरछा रखकर जॉब का कार्य किया जाता है। कठोर धातु को छीनने के लिए छेनी का कोर 70 डिग्री अधिक रखा जाता है, नरम जॉब के लिए यह कोर कम रखा जाता है। छेनी से कटी छीलन आंखों से पड़ने से रोकें, इसलिए आप गॉगल्स पहन सकते हैं। छेनी पर हथौड़े की चोट करते समय हाथ से फिसलनी चाहिए नहीं चाहिए, वरना चोट लग सकती है। छेनी की धार जॉब के अनुरूप हार्ड या नरम होनी चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच क्लास।